वेलकम टू टेस्टी बाइट्स। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूं, स्टीम वेजिटेबल इन स्पाइसी मिल्की ग्रेवी। तो कम ऑन, लेट्स मेक इट। तो ये वेजिटेबल बनाने के लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। गोभी है, जिसको आप ऐसे छोटे छोटे फूल इस तरीके से कर लें, डाइस्ड कैरेट, स्वीट कॉर्नस हैं हाफ कप, और ये लेट्यूस हैं। तो अब इन सबको हम स्टीम करेंगे। तो मैं ये सब स्टीमर में डाल रही हूँ। यहाँ पे हमारा स्टीमर ऑन है, फुल फ्लेम पे है, और इनको हम स्टीमर में डाल रहे हैं और हम इसको स्टीम करेंगे 5 मिनट्स फुल फ्लेम पर इन सबको। तो ये देखिए, मैंने सारे वेजिटेबल्स स्टीम करने के लिए रख दिए हैं और अब मैं इसको ढक रही हूँ और 5 मिनट्स हम इसको फुल फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है और वहाँ हमारी वेजिटेबल्स स्टीम हो रही है। गैस मैंने ऑन कर दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। आप बटर में बनाना चाहें तो आप बटर में बनाइए। और इसमें अब हम मैंने ये कैप्सिकम है, इसको ऐसे डाइस कर लिया है, 1 कैप्सिकम लिया मैंने। और इसमें अब हमारे कैप्सिकम डाल के 2 मिनट्स के लिए सॉटे करेंगे। कैप्सिकम के बाद हम इसमें पनीर क्यूब्स डाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है जिसके क्यूब्स में कट कर लिया है, ये डाल के हम इसको सॉटे कर लेंगे। तो 2 मिनट्स के लिए हमने कैप्सिकम और पनीर को फ्राई कर लिया था और अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। तो इस कढ़ाई में अभी थोड़ा सा ऑयल है और 1 टेबल स्पून ऑयल मैं और डाल रही हूँ इसमें। और इसमें हम डालेंगे 2 इलायची, कार्डमम, और 1 टेबल स्पून जीरा। ये क्रैकल हो रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन। इसको सॉटे करेंगे 2 to 3 मिनट्स। तो उधर हमारे अनियन सॉटे हो रहे हैं और उधर हम वेजिटेबल्स चेक कर लेते हैं। और मैंने गैस को बंद कर दिया। तो ये देखिए स्टीम हो गए हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे इस स्टेज पे। और अब अनियन में मैं डाल रही हूँ, ये 1 टमाटो लिया था मैंने जिसकी प्यूरी बना ली थी, पेस्ट बना लें आप इसको मिक्सी में पीस के। 1 टमाटर को ये डाल रही हूँ इसमें अनियन में। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। और जब तक ये टमाटर अच्छे से कुक नहीं हो जाएगा, जब तक इसको कुक करना है 5 to 6 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर। तो उधर हमारे टमाटो का जो मसाला है वो कुक हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने 1 कप दूध लिया है जिसमें मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर मिक्स कर रही हूँ। और अब हम इसको ढंग से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। तो देखिए हमारे टमाटो मसाला सब अच्छे से कुक हो गया है, बहुत अच्छे से। तो इसमें हम डाल रहे हैं हमारी स्टीम वेजिटेबल्स, पनीर और शिमला मिर्च। इसको मिक्स कर लें एक बार। और ये जो हमने दूध और कॉर्नफ्लोर पाउडर मिक्स किया था ये डाल देंगे इसमें। आप इस टाइम अपनी जो गैस है उसको लो रखें और ये हमने इसमें डाल देंगे। अभी हम इसमें नमक नहीं डाल रहे हैं, नमक हम इसमें लास्ट में डालेंगे जब हम कोरिएंडर डालते हैं, जब इसमें हम नमक डालेंगे। और अब लो फ्लेम पर 5 मिनट्स आप इसको लो फ्लेम पर कुक होने दें। तो लो फ्लेम पर 5 मिनट्स कुक करने के बाद अब हमारी सब्जी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी थिक हो गई है। और अब हम डालेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट हम पहले इसलिए नहीं डालते क्योंकि हम दूध डाल रहे हैं तो सब्जी फटने का डर रहता है, इसलिए हम सॉल्ट पहले नहीं डालते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट एंड चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। तो तैयार है हमारी स्टीम वेजिटेबल इन स्पाइसी मिल्की ग्रेवी। तो ये बहुत डिलीशियस सब्जी है और अगर आपके घर कोई डिनर लंच पे आ रहा है तो आपके लिए एक नई वैरायटी हो जाएगी सब्जी की। ये आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़।
तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी बहुत डिलीशियस रेसिपी, आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।